टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का चौथा टी20 खेला जा रहा है रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में। और इस मुकाबले में टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह ने शानदार बल्लेबाजी की। हालांकि वो 50 रनों का आंकड़ा पार नहीं कर पाए, लेकिन टीम इंडिया को एक सम्मानजनक स्कोर तक उन्होंने जरूर पहुंचाने में मदद की। रिंकू सिंह की पारी का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में देंगे आपको, वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। दरअसल भारतीय टीम चौथे टी20 में संघर्ष कर रही थी। यशस्वी जायसवाल का विकेट गंवाने के बाद श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव का भी विकेट बहुत जल्दी गिर गया। उसके बाद 9वें ओवर में रिंकू सिंह बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए। अमूमन 16वें-17वें ओवर में बल्लेबाजी के लिए आने वाले रिंकू सिंह आज बहुत जल्दी मैदान पर आए और उन्होंने उसी तरह बल्लेबाजी की, बहुत ही सूझबूझ से बल्लेबाजी की। रिंकू सिंह ने 29 गेंदों में 46 रनों की शानदार पारी खेली। 4 चौके 2 छक्के उन्होंने लगाए। 158.62 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की। जितेश शर्मा के साथ मिलकर उन्होंने अर्धशतकीय साझेदारी की और टीम इंडिया को एक सम्मानजनक टोटल तक पहुंचाने में मदद की। रिंकू सिंह हालांकि 50 रनों के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन शानदार 46 रनों की पारी उनके बल्ले से हमें देखने को मिला। रिंकू सिंह की पारी पर आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।